चैनल कुंजा ऑफिशियल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत पूजा से हो रही है। महाशिवरात्रि है तो आप लोग भी फ्री होंगे और हम अपने घर में बनाए हैं शिवलिंग, देख सकते हैं। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ये मंदिर तो वो भी कहाँ जाएंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रही है ब्लॉग में। फिलहाल घर का पूजा मेरा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी की पूजा हो गई है और फाइनली आप लोग दर्शन कर लीजिए मेरे शिवलिंग का। जी हाँ, मैं जो कि घर में बनाती हूँ, ये है महाशिवरात्रि का मंगलवार का है ये शिवलिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर, हम लोग पहुँच गए। मंदिर के बाहर का व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भी मैं आ गई हूँ और देख सकते हो सारे श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं और मम्मी है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग पूजा कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ, मेरा जो वो फास्ट है वो 48 घंटे का। जी हाँ, 48 घंटे मैं कैसे रही वो एक्सपीरियंस भी मैं अलग से शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं भी थोड़ी सी सोची कि क्यों ना क्लिप ब्लॉग के लिए शूट करूँ, तो मैं अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ। मैं कुछ बोल रही हूँ बट इतनी क्राउड थी कि आप, इतनी नॉइज़ थी कि आप लोग नहीं सुन सकते थे, तो इसलिए मैं सोची क्यों ना वॉइस ओवर कर दिया जाए और आप लोग सुन सकते हो मेरी वॉइस को। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, देख सकते हो। और अब हम लोग हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। मैं पहली बार फास्ट कर रही हूँ, मैं पहली बार फास्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत मंदिर में आई हूँ, मैं बताऊँगी बाहर से। ये जो है मंदिर के ऊपर का है और बेसमेंट में आपको शिवलिंग मैं दिखाई थी जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे। और ये मंदिर के ऊपर का है, ये मंदिर बहुत ही भव्य है और हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे पूजा करने के लिए। उसके बाद जब पूजा हो गई तो दरवाजे बंद हो रहे थे, तो जो पुजारी जी थे वो बार बार बोल रहे थे जल्दी जल्दी निकलिए, तो सारे लोग जल्दी जल्दी पूजा करके निकल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग मेन गेट बंद कर दिए थे, तो हम लोग दूसरे गेट से निकले थे। तो वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, फिलहाल अंदर का मैं ली थी। यहाँ पे देख सकते हो श्रद्धालु भी की भी बहुत कम हो गए हैं और ये यहाँ ये जो जा रहे हैं वो साइड से रास्ता है निकलने का, तो उससे निकल रहे थे। और फिलहाल तो मंदिर के बाहर का व्यू भी सोची आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो देख सकते हो ये मंदिर का बाहर का व्यू है। और उसके बाद गला इतना सूख रहा है, पूजा करने के बाद जो था वो गला बहुत ही ज़्यादा ही सूख रहा था। तो करते क्या, इधर उधर मन किया लस्सी पीने का, तो लस्सी मैं पी नहीं सकती थी क्योंकि लस्सी में सुनते हैं नमक होता है जो कि फास्ट में नहीं पिया जाता है। तो फिर इधर उधर देखे तो कोकोनट वाटर मिला, जी हाँ डाव मिल गया, जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और फास्ट में सारे लोग पीते भी हैं। तो मैं और मम्मी पहुंच गए डाब की दुकान पे, जी हाँ ठेला पे पहुंच गए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा बच्चा है जो कि हम लोगों को नारियल पानी पिलाया। पीजिए पीजिए, यहाँ पे मम्मी पी रही हैं कोकोनट वाटर। हम लोग मंदिर आए हैं, धूप बहुत ज़्यादा है तो सोचे कुछ पी लेते हैं क्योंकि फास्ट है। और रोड का व्यू दिखा दे आप लोगों को, तो यहाँ पे देख सकते हो रोड का व्यू है, गाड़ी बहुत चल रही है, ऊपर में देख सकते हो फूल है और यहाँ देख सकते हो ये सब मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हो बरगद का पेड़ है। ऐसा रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाल ये जो है ये रोड का व्यू है, बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने शहर का रोड का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो रोड के साइड में नर्सरी लगा हुआ है जो कि रोड को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और जब आप ट्रैवल करते हो तो आँखों को भी सुकून। यहाँ पर छुट्टी हो गई है, जी हाँ 12 बज गया तो स्कूल की छुट्टी हो गई, तो बच्चे जा रहे हो। यहाँ पर देख सकते हो रोड साइड में रंग बिरंगे फूल हैं जो कि आँखों को बहुत ही सुकून मिलता है और यहाँ पर लोग खरीदने भी आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, तो मैं सोची क्यों ना कैप्चर करूं। और यहाँ देखो रोड के दोनों साइड में आपको मिल जाएगा नर्सरी, आप यहाँ से ले सकते हो। और फाइनली हम और मम्मी ऑटो से गए थे तो ऑटो से आ रहे हैं, तो जाने का व्यू मैं नहीं ली थी, तो आने का व्यू मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। और उसके बाद घर
यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग स्कूल से घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है इन लोग की। और रोड पे मुझे जितने अच्छे लगे नर्सरीज, मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे शहर में, जी हाँ पट्टा में, आप लोग रोड के किनारे पे देख सकते हो, आपके शहर में अगर ऐसा नर्सरी मिलता है इस टाइप से तो मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कहीं कहीं जाम भी लग गया था, तो देख सक तो गाड़ी वाड़ी रुकी हुई है, देख सकते हो सारे लोग जा रहे हैं, रोड का व्यू। फाइनली अब मॉर्निंग का, जी हाँ अभी मॉर्निंग का है, और यहाँ पे देख सकते हो मैं खाना बना रही हूँ, अभी बोल सकते हो वो छना रहा है। और यहाँ पे बरी है, बरी मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं बनता क्योंकि लोग ज़्यादा खाते नहीं, लेकिन कहते हैं करी जब भी बनता है तो उसमें बरी डालना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं आठ नौ को बनाई हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो प्याज का प्याजू बनेगा, देख सकते हो। तो इतना मेरा हो गया, और कुकर में सीटी भी लग गई है, चावल लगा दिए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दो दिन का फास्ट है, तो मैं सोची सवेरे, अभी 7:21 हो रहा है, तो मैं सोची अभी से ही अभी आज का जो मॉर्निंग का होता है वो मैं आपको शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो अभी फिलहाल मैं किचन में हूँ, देख सकते हो मैं खाना बना रही हूँ, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी, झाड़ू मैं लगा ली हूँ, पोछा अभी नहीं लगाई हूँ, बाद में मम्मी लगा देंगी या मैं खुद लगा लूँगी। तो फिलहाल अभी किचन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 48 घंटा तक मैं फास्ट में रही हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी देख सकते हो चेहरे पे एक दो है, टीवी चला रहा है। बाय बाय बोल दो, हाय बोल दो, बाय बाय, आ जा। देख सकते हो, और यहाँ मेरा कुंज आ गया है जो कि शैतानी करने आया है, आप लोगों को दिखाते हैं, ये है मेरा कुंडली। यहाँ पे देख सकते हो मैंने खाने निकाल लिए हैं फास्ट तोड़ने के लिए, तो आप लोगों को हमारा ये 48 घंटे का फास्ट ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।